भाई मेरे से जो पिछली सीट है उसके जो मुसाफिर हैं वो गलत ट्रेन पे बैठ गए हैं। वो बेसिकली ट्रेन पे गलत बैठ गए हैं, उनकी ट्रेन है कराची एक्सप्रेस और वो बिजनेस एक्सप्रेस पे बैठ गए हैं। सही है तो भाई, लेकिन टीसी साहब बहुत अच्छे हैं भाई, उन्होंने बोला आप हैदराबाद को उतर जाओ और वहाँ से अपनी ट्रेन को स्विच कर लो क्योंकि ये कराची एक्सप्रेस नहीं है, आप गलत ट्रेन पर बैठ गए हो सर। तो ये अच्छा यार, ये चीज़ सही है। और वही चीज़ है कि भाई वो ट्रेन अब स्विच करनी पड़ेगी उनको हैदराबाद जब स्टॉप आता है वहाँ पर। लेकिन यार काफ़ी अभी मैं बोलूँ तो हॉस्पिटैलिटी है और इंसानियत बाकी है भाई। उन्होंने फाइन नहीं लगाया, उन्होंने कुछ नहीं लगाया, ये बहुत अच्छी बात है। कि बट अब पाकिस्तान रेलवे बहुत अच्छी बात है भाई, आई अप्रिशिएट इट। ट्रेन का सफर अभी तक तो अच्छा है क्योंकि अभी तो हम लोग शहर के अंदर ही हैं, मैं अभी तो टेंट से भी नहीं निकले। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि और भी जगह अच्छी रहती है और जगह जल्दी चलती है, आगे हमें और चीज़ें भी देखने को मिलने वाली हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी, क्योंकि यार मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी काम हर चीज़ से निकल कर आपको रेस्ट करना चाहिए। साल में एक दफा ज़रूर है आपको ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए ताकि आप रेस्ट करो और माइंड भी आपका फ्रेश हो जाए। भाई सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है कि इस ट्रेन के टोटल जो स्टॉप है ना वो 6 हैं। ये बीच बीच में जो आ जाते हैं ना खट्टे मीठे स्टॉप जो होते हैं बीच बीच में, जैसे खट्टे मीठे थे भाई, कोई गलत मत ले ले मुझे भाई किसी एरिया का वाइज कुछ भी, वो खट्टे मीठे स्टॉप हुए थे ना बीच में कहीं रुक जाती थी, वो इन्होंने हटा दिए। और बात करें यहाँ पर कि इन्होंने 6 स्टॉप टोटल रखे हैं, कि हमारा जो अगला स्टॉप होगा ना वो हैदराबाद है, बीच में कोई स्टॉप नहीं है। जो पहले आते थे हमारे पास लांडी जैक्ट्रा बीच में बहुत सारे आते थे, वो उन्होंने हटा दिए खट्टे मीठे। तो ये तो आप डायरेक्टली हैदराबाद पर रुकेगी ट्रेन, उसके बाद टोटल 5 स्टॉप बचेंगे, जिसके बाद हम डायरेक्टली सुबह 9:30 या 10 बजे हम लोग लाहौर में होंगे। कराची वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई वो है चाय। चाय के बगैर वो रह नहीं सकते, चाय उनको चाहिए होती है। शाम हो, सुबह हो, रात हो, दिन हो, जिस टाइम भी हो, कोई भी काम करवाना हो भाई, चाय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भैया वो चुके बताऊँ और सैंडविच के बाद इस टाइम जरूर बताएं चाय, तो भाई हम पी रहे हैं चाय। ठीक है ना, जो तैयार की गई हमारे घर वालों की जानत को भाई, अभी फ्रेश फ्रेश जा रही है और आप पी रहे हैं भाई ये चाय हमारे पास। तो भाई होपफुली आप लोग भी चाय पी रहे होंगे भाई, अगर आप शाम को पी रहे हो तो शाम को पी लोगे, रात को दे रहे हो तो रात को पी रहे होंगे, वरना सुबह है तो सुबह पी लोगे। और ट्रेन यहाँ पर रुकेगी ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट भाई, आपको थोड़ा नीचे का चक्कर लगा लेते हैं। तो भाई क्या हालात है, कोई बार आते भाई देख सकते हो अंधेरा ही अंधेरा है, तो यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं। और इसके बाद बात करो तो भाई बहुत टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन रात के मैं बोलूँगा 8:45 रात के 8:45। उसके बाद हम भी भाई अपने कैबिन में जाने के बाद जब यहाँ ट्रेन चलेगी तो मैं भी यहाँ पर खाना खाऊंगा और उसके बाद बात करते सको तो भाई उसके बाद शायद एक मूवी देख लूँ मैं, अगर नेट सही तरह काम करेगा तो वाला अगर कोई डाउनलोडेड मूवी है वो मुझे देखनी पड़ेगी, अगर नेटफ्लिक्स काम कर रहा होगा तो मैं नेटफ्लिक्स देखूँगा, अदरवाइज मैं डाउनलोडेड मूवी देखूँगा। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि सायरन बज चुका है तो उसका मतलब ट्रेन चलने वाली है हैदराबाद से। अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारी और बस सुबह ही आँख खुलेगी भाई हमारी, क्या होता है सुबह फिर तो सुबह उठकर देखते हैं। सो गाइस हो चुकी है सुबह और सुबह के हो रहे हैं 6 और 6 बजे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भाई मुल्तान स्टेशन। आपको मेरे पीछे मुल्तान स्टेशन दिख रहा होगा भाई,
ठीक है। और यहाँ पर अगर मुल्तान स्टेशन की बात करें तो मुल्तान का सोन हलवा सबसे ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर बात है मेरे पीछे, आपको आवाज़ें आ रही होगी भाई नाश्ते आ रही, ठीक है, क्योंकि नाश्ते का स्टेशन है। उसके बाद हम लोग लाहौर की जाने रवा होंगे और वहाँ पर बात की जाए भाई काफ़ी चीज़ों की। और बात जो कहता रहा सफ़र भाई, तो मैंने पूरा सफ़र सोकर गुजारा है भाई, आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा मैंने पूरा सफ़र सोकर गुजारा है। और अगर बात की जाए वहाँ पर के भाई के मौसम कैसा है, अभी तो मौसम में इतनी ठंड नहीं है मुल्तान के अंदर भी सुबह सुबह के टाइम भी, और मैंने आप देख सकते हैं अपने शर्ट मैंने जो होती है वो पहनी हुई है भाई, तो उससे अंदाज़ा हो सकता है आपको कि कोई इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पर। तो अब आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई तो हमने भी सोचा कि क्यों ना भाई हम भी थोड़ी चाय पी लें भाई, थोड़े फ्रेश हो जाएं, ठीक है, थोड़े फ्रेश हो जाएं, सुबह सुबह चाय पियेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि कॉफ़ी तो मिलने वाली नहीं है भाई। और सबको पता है कि कॉफ़ी के हम कितने शौकीन हैं, लेकिन कॉफ़ी तो नहीं मिलने वाली, तो हम जाने वाले हैं यहाँ पर चाय के लिए, तो चाय के लिए चलते हैं भाई। तो भाई हम पी रहे हैं चाय यहाँ पर, और चाय पियो और ताज़ा हो जाओ भाई सुबह सुबह, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि चाय पीने के बाद आप ताज़ा हो जाओ भाई यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद जो हमारा स्टेशन है अगला वो है थाने वाली, क्योंकि ट्रेन वहाँ रुकेगी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, और 2 मिनट का मतलब है भाई कि 2 मिनट बाद आप रुकने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो यहीं से चाय पी लो भाई ताकि आप थोड़ा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बात करेंगे अगला स्टेशन साहिवाल, साहिवाल में भी 2 मिनट, ठीक है। तो 2 स्टेशन का मुझे बताया गया भाई, इसके बाद 2 स्टेशन आने वाले, एक खाने वाले एक साहिवाल, जहाँ 2-2 मिनट रुकेंगे। तो अभी हम इंजॉय कर रहे हैं चाय यहाँ पर, लेकिन चाय के पीछे भी एक फंडा है भाई कि उन्होंने दे दिया मुझे मीठी चाय, क्योंकि फीकी चाय यहाँ मौजूद नहीं थी, तो मुझे पीनी पड़ेगी क्या मीठी चाय यहाँ पर, तो मैं अभी चाय करूँगा इंजॉय। सो भाई हम पी चुके हैं चाय, और चाय पीने के बाद हमारी जो ट्रेन है उसने बजा दिया है सायरन कि भाई अब हम निकलने लगे हैं, क्योंकि 20 मिनट का टाइम था और 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और चाय भी पी चुके हैं भाई। तो अगला स्टेशन है खानेवाल, और खानेवाल पे देखते हैं 2 मिनट में कैसा स्टेशन होता है और क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर तो अभी भी अगर देखो तो भाई सुबह अभी हुई है, क्योंकि 6:20 हो रहे हैं यहाँ पर। तो भाई अब हमारी ट्रेन भी निकल ली और मैं भी चलता हूँ ट्रेन पे। सो भाई खाने वाले स्टॉप आ चुका है, और खाने वाले स्टॉप पर हमारी ट्रेन रुकेगी ऑलमोस्ट 2 मिनट, और 2 मिनट का स्टॉप है, 2 मिनट बाद सीधा अपनी मंजिल की तरफ लाहौर की तरफ हम रवाना है, सही है। और 2 मिनट का स्टॉप है भाई, और अभी अभी रुकी है, और अभी ही सायरन उन्होंने बजा दिया भाई कि भाई आप चलो मंजिल की तरफ। भाई ट्रेन को लेते हुए ना 4 चीज़ें कॉमन है, एक हर ट्रेन में आपको एक रोता हुआ बच्चा ज़रूर मिलेगा। फिर बात करें यहाँ पर आपको ट्रेन में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो फजूल में इधर से उधर एक कैबिन से दूसरे कैबिन जाते रहते हैं पूरी रात को। फिर आपको मिलेगा हर स्टेशन पे थका हुआ खाना ट्रेन का, तो मैं रिकमेंड नहीं करता भाई कि आप खाना यहाँ से लो खाओ, घर से लाओ ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। और आखिरी चीज़ ट्रेन के वो कि ट्रेन के गंदे वॉशरूम्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेन के सफ़र में हमेशा कॉमन रहती है और मुझे भी फेस हुई कराची से लाहौर जाते हुए के दरमियान। सो भाई हम पहुंच चुके हैं रायवंड, और बेल भी बज चुकी है भाई रायवंड की यहाँ से, क्योंकि ट्रेन निकलेगी, क्योंकि ट्रेन वैसे ही काफ़ी लेट है, ठीक है भाई, ट्रेन में से काफ़ी लेट है। और सही टाइम बताया था आपने 11:30 का, 11:30 का
भाई इन भाई ने अपना टाइम बताया था कि 11:30 से पहले नहीं पहुंचेगी ट्रेन, अभी भी 11:30 बजने वाले हैं भाई और ट्रेन नहीं पहुंची, 1.5 घंटा लेट है भाई। और क्या कहना चाहेंगे रेलवे? मैं कहूंगा कि भाई आप लोग सफर जरूर करें, ये बहुत एंजॉय है, ट्रेन बहुत एंजॉयमेंट मिलती है डेफिनेटली, लेकिन ये मत सोचिए जाएगा कि टाइम पे पहुंच जाएंगे, ये सोच है कि रिलैक्स होकर जाएंगे, जितना हो निकल जाए निकल जाएंगे, एसी नहीं चल रहा, एसी बस नहीं चल रहा क्या कहें। लेकिन एक इशू है भाई कि खाना कैंटीन नहीं है अब, ये यस ऑफ कोर्स कैंटीन नहीं है, तो मैं भाई को बोलूंगा कि जरूर एक रिव्यू जिना एक्सप्रेस का जरूर है, उसमें सुनने में आया काफी अच्छी है तो ये भाई तो अब रायगढ़ से ट्रेन निकल ली हमारी और अब ट्रेन अगला स्टॉप लास्ट स्टॉप है जो कि है लाहौर और इंशाल्लाह ताला रायगढ़ से अब पहुंचेंगे काफी जल्दी भाई, लेकिन ट्रेन हमारी लेट है काफी, हो गया अभी 11:15 हो रहे हैं और हम नहीं पहुंचे, ट्रेन का टाइम है 10:15 का, 1 घंटा ऑलमोस्ट लेट है हमारे ट्रेन, सो भाई लाहौर पहुंच से हम मिलते हैं आपसे। तो भाई फाइनली लाहौर स्टेशन पहुंच चुके हैं भाई, लाहौर आ गए हम लोग, काफ़ी डिले था भाई कि जो हमारी ट्रेन थी वो तकरीबन 1.5 घंटे लेट हुई और उसके बाद फाइनली हम लाहौर पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सीधा घर अपने, तो वहां चल के फिर आगे की बात करते हैं। तो यार बस आज का व्लॉग खत्म।